कि पहले ये 3 सालों का होता था, लेकिन अब ये बदलकर 4 साल का कर दिया। बीए, बीएससी और बीकॉम था, इन सभी को हटाकर सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो ग्रेजुएशन में बदलाव हुआ है, यानी कि जो बीए, बीएससी और बीकॉम में जो बदलाव हुए हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं आप सभी को बता दूँ कि ग्रेजुएशन इसके पहले 3 साल का होता था, लेकिन अब ये 4 साल में होगा। यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम अगर आपको करना है तो आप लोगों को 4 साल करना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं आप सभी को, बीए, बीएससी, बीकॉम ये सभी हटा दिए गए हैं, सिर्फ एक ही डिग्री रहेगी, वो रहेगी ग्रेजुएशन। तो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप सभी को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो ग्रेजुएशन की डिग्रीज होती हैं वो जनरली बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा आर्ट्स साइंस से पढ़ेगा वो बीए करेगा, जो साइंस से पढ़ेगा वो बीएससी करेगा, और जो कॉमर्स साइड से पढ़ेगा वो बीकॉम करेगा। इसके अलग अलग प्रोसेस थे जो कि आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके बारे में बात करता हूँ कि क्या है कि पहले ये 3 सालों का होता था, लेकिन अब ये बदलकर 4 साल का कर दिया गया है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कितना कर दिया गया है 4 साल का। अब 4 साल में हर एक ईयर में अलग अलग प्रोसेस है और अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। कैसे मिलेगा अब बताता हूँ। दूसरा चीज़ क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि जो बीए, बीएससी और बीकॉम था, इन सभी को हटाकर सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी। इसका मतलब है कि ना ही आपको बीए का डिग्री मिलेगी, ना ही बीएससी का, ना ही बीकॉम का, इन सभी को हटा दिया गया है। और जो सब्जेक्ट चूज करने की बात आएगी, जैसे कि आपके दिमाग में आ भी रहा होगा, अगर ये सब हट जाएगा तो हम सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे? क्या मैथ्स लेंगे या बायो लेंगे या मतलब कि फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे या हिस्ट्री लेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो क्या है कि ऐसा हम लोग की कर दिया गया प्रोसेस कि आप लोग इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो और जो ग्रेजुएशन में मतलब करना चाहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहते हैं। जैसे कोई अगर साइंस साइड का बच्चा है, अगर चाहता है कि मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है और साथ में बीकॉम से अगर अकाउंट भी पढ़ना है तो तीनों लेके पढ़ सकता है, यानी कि पूरा मिला जुला के पढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम इसकी डिग्री नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था। तीसरा क्या है कि देखिए कि इसके 4 स्टेज हैं, 4 साल में 4 स्टेज होगा और चारों साल में, यानी कि जो भी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, सभी के अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट कैसे मिलेंगे देखिएगा। सबसे अगर फर्स्ट अगर ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट। ठीक, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आप 1 साल ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप 2 साल पढ़ लेते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा की डिग्री, यानी कि ग्रेजुएट डिप्लोमा ऐसा बोला जाएगा आपको, रिजल्ट वैसा लिख के आएगा आपके। ऐसे तीसरा क्या है कि 3 ईयर अगर कर लेते हैं कंप्लीट तो आपको मिल जाएगी डिग्री, यानी कि ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। ऐसे जब जैसे आप 4 साल करेंगे, 4 साल करने के बाद ये क्या है जो फोर्थ ईयर का, वो रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, यानी कि ग्रेजुएट रिसर्च। ठीक, ऐसे करके आपको डिग्री मिल जाएगी रिजल्ट में। तो क्या है कि इसमें आप लोग जानते होंगे कि मुझे, हम लोगों को जॉब भी करना रहता है, गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, जैसे कि फॉर्म फिलअप करना होता है, ऐसे कोई अगर कंपनी में जाना हो तो उसमें भी फॉर्म फिलअप करना होता है कि आप डिग्री आपके पास है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि आप, जैसा कि इससे पहले 3 साल का होता था, सेम वैसे इतना ही प्रोसेस पे जो डिग्री यहाँ पर है थर्ड ईयर वाले में है, यानी कि 3 ईयर जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेगी ग्रेजुएट डिग्री। और जो ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी यही सब लगेंगे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक, और साथ में जितने भी कंपनीज हैं, इन सभी में यही डिग्री, यानी कि 3 साल अगर कर लेते हैं तभी से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। अब फोर्थ ईयर का क्या है कि रिसर्च के बारे में, जो भी सब्जेक्ट आप लिए रहेंगे उसी के बारे में रिसर्च किया जाएगा फोर्थ ईयर में, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, तो उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। तो क्या है कि अगर आपको जॉब करना है, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब की अगर कोई वैकेंसी देखनी है तो आपको 3 साल तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है ना, वो क्या है बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई 1 साल 2 साल पढ़ लिया, 3 साल का अगर कोई बीए कर रहा है, 2 साल पढ़ लिया छोड़ दिया है, तो फिर उसके कुछ समय बाद अगर पढ़ना चाहता है 2 साल के बाद, तो उसे स्टार्टिंग से पढ़ना होता है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर से नाम लिखाना होता है। लेकिन ये सब के सब बदल दिया गया है और इसके जगह पर क्या कर दिया गया है कि अगर कोई बच्चा 2 साल पढ़ा और 2 साल पढ़ने के बाद वो छोड़ देता है किसी कारण की वजह से, चाहे पैसे की दिक्कत की वजह से या कुछ आपका मेडिकल की दिक्कत हो जाए, मतलब कि कोई अगर तबीयत खराब हो जाता है, चाहे कहीं चला जाता है बाहर चला जाता है, तो इसकी वजह से अगर छोड़ देता है तो छोड़ने के बाद जब फिर आएगा 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 10 साल के बाद भी आता है, तब भी वो क्या करेगा कि डायरेक्ट उसकी जो एडमिशन होगी वो थर्ड ईयर में होगी, और 1 साल के जैसे कंप्लीट करेगा तो उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो ग्रेजुएट की डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी और वो जॉब देख सकता है और कंपनी में अपना जॉब के लिए वैकेंसी भी देख सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है इसी से हम बोल रहे हैं री एंट्री। ठीक, यानी कि इसको, इसका नाम दिया गया है री एंट्री।
इस प्रोसेस को, जैसे कि अगर कोई छोड़ के जाता है फिर आता है पढ़ने, तो जहां तक पढ़ा रहेगा उसके आगे का 2 साल का अगर कोई पढ़ा रहेगा तो इसको डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी, ठीक। जैसे थर्ड अगर 2 साल के बाद फिर आता है पढ़ना चाहता है ओ, तो फिर थर्ड ईयर में आके नाम लिखा सकता है, अगर 2 साल पढ़ेगा तो उसको पूरा यानी कि कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा फोर्थ ईयर का। तो हर साल में यहाँ पे सर्टिफिकेट है, पहले वाले में सर्टिफिकेट है, दूसरे में डिप्लोमा है, तीसरे में डिग्री मिलेगी और चौथे में रिसर्च का डिग्री मिलेगी यानी कि ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाएगा। लेकिन जो जॉब और वैकेंसी के लिए बताया है वो क्या है, थर्ड ईयर के लिए, यानी 3 साल आपको करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस है जो कि ग्रेजुएशन में बदलाव हुए हैं, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो ग्रेजुएशन में बदलाव हुए हैं, तो ये सभी आप सभी के अकॉर्डिंग कैसा है, अच्छा है या बुरा है पहले वाले से, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि कैसा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि ग्रेजुएशन में लागू हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है।